मैनपुरी में 2 साल पहले जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई एक नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल की पेशी हुई। तेज बारिश के बीच डीजीपी कोर्ट पहुंचे। सुनवाई की शुरुआत में मुकुल गोयल ने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MN भंडारी को दोषी अफसरों पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी। कहा, तत्कालीन ASP ओम प्रकाश सिंह और भदोही में तैनात CO प्रियांक जैन को निलंबित कर दिया गया है। ओम प्रकाश सिंह वर्तमान में एटा में तैनात हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने DGP मुकुल गोयल को प्रयागराज से बाहर जाने की इजाजत दे दी। DGP मुकुल करीब 24 घंटे प्रयागराज में रहे। उन्हें बुधवार को कोर्ट में प्रयागराज न छोड़ने की सख्त हिदायत दी थी। कोर्ट ने DGP को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए और यह भी कहा कि 2 माह में मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। कोर्ट ने इस दौरान एक अहम टिप्पणी भी की, कहा, पुलिस को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। अधिकांश विवेचना कांस्टेबल करता है, दरोगा कभी कभी जाता है। निष्पक्ष विवेचना न होने से सजा का रेट 6.5% है। वहीं विदेशों में अपराध में सजा की दर 85। नवोदय विद्यालय की 11वीं की छात्रा थी जिसकी 2019 में मौत हुई थी संदिग्ध परिस्थिति में। उस मामले में कोर्ट ने आपको तलब किया था और कल रोका भी था यहाँ पर भी होल्ड करने के लिए। आज किस तरह की सुनवाई हुई, क्या पूरे प्रकरण में प्रगति रिपोर्ट हुई, अगली सुनवाई कब हुई, क्या कहा है कोर्ट ने कुछ? अब कोर्ट का आदेश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आज हम लोगों ने अपनी बातें कोर्ट के समक्ष रख दी थी और उसमें जो कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा शुरू में लैप्सेस रहे हैं उनकी कार्रवाई में, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। कोर्ट के समक्ष सब बातें रख दी गई हैं। अब कोर्ट का जैसा भी आदेश होगा उसमें पालन किया जाएगा। किन किन अधिकारियों को अभी कुछ कार्रवाई की गई है? नहीं, अभी तक तो जो तत्कालीन जो मैनपुरी में जो इस घटना के विवेचक थे, जो कि इंस्पेक्टर लेवल के हैं, और जो पर्यवेक्षण अधिकारी थे जो CO उस समय थे वहाँ पे, और एडिशनल SP, इनको निलंबित किया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और तत्कालीन SSP मैनपुरी के खिलाफ भी इसमें विभागीय जांच हो रही है। वो शायद रिटायर भी हो चुके हैं? हाँ, वो रिटायर हो चुके हैं। वही बता दें कि पुलिस ने शुरू में दावा किया था कि यह आत्महत्या का मामला है। दूसरी ओर उसकी मां ने आरोप लगाया था कि उसे परेशान किया गया और पीटा गया। जब वह मर गई तो उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मृतका के पिता ने CM योगी से जांच की गुहार लगाई तो SIT ने जांच की थी। 24 अगस्त 2021 को SIT टीम ने केस डायरी हाईकोर्ट में रखी। टीम ने कहा, घटना की FIR 16 सितंबर 2019 को दर्ज की गई थी। हालांकि आरोपी से पूछताछ तुरंत या उचित समय के भीतर नहीं की गई। आरोपी से पूछताछ घटना के 3 माह बाद की गई। कोर्ट में मौजूद जांच अधिकारी आरोपी से पूछताछ में हुई देरी के बारे में कुछ नहीं बता सके थे। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यह अंतराल आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोपों के बावजूद हुआ, जो कि गंभीर चूक है।